परिधि के तो ज़्यादा मिस करने वाली हो आप जो मिस तो करना स्वाभाविक है, डेफिनेटली करूँगी, पर उससे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि बहुत सारी यादें इकट्ठी हो गई हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने जहन में रखूँगी और इन पलों को एंजॉय करूँगी। एटलीस्ट हमने सोचा था कि और 3 या 4 साल तक तो चलेगा। मैंने एटलीस्ट सोचा था बिकॉज सोशल शोज सिर्फ सास बहू था, हमारा हिस्टोरिकल था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने बताई और शायद हमारे पास और भी हो सकती थी सारी चीज़ें बताने के लिए, बट जो भी है मैं खुश हूँ कि आज तक ऑडियंस हमें देख रही है और आगे भी देखेगी जब तक हम हैं, तो हमें एंडिंग में भी प्यार ज़रूर मिलेगा। एक तो नहीं है, न जाने कितनी ढेर सारी यादें हैं, पर हाँ मुझे परफॉर्मेंस करने का कमाल का मौका मिला इस शो में, क्योंकि डेली सोप में बहुत कम मौका मिल पाता है कुछ लीक से हट के करने का, जो मुझे इस शो में मिला। मैंने कभी मैं एकदम मतलब बहुत ही सौम्य सी प्यारी सी बहू बन जाती थी, कभी मैं एकदम शेरनी की तरह दहाड़ने वाली राजवंशी बन जाती थी, और अभी इन दिनों तो एंडिंग में मैंने थोड़ा भूतिया रोल भी अदा किया है, तो काफ़ी वेरिएशंस मुझे मिले परफॉर्मेंस के तौर पे, तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जर्नी रही एज एन एक्ट्रेस। कहानी तो जहाँ भी परिवार होता है वहाँ तो कहानियाँ तो बनती हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार था, पूरा ख़ानदान था मुग़ल ख़ानदान, तो जोधा अकबर जो हैं उनसे जुड़े इतने सारे लोग हैं, और ये तो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को, ये देख कर हमें अच्छा लगा, तो ऐसे ही आगे भी देखते रहें, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मिस तो करूँगी, बट हम लोग जो अच्छे दोस्त बन गए वो तो हमेशा टच में रहेंगे और मुंबई में मिलते ही रहेंगे। अच्छा, परिधि की पहचान जोधा से हुई थी और जी टीवी से हुई थी, तो फिर जी के पूरे परिवार को और जी परिवार को कितना ज़्यादा क्या मिस करेंगे? सबसे पहले तो मैं जी टीवी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना और मुझे अपॉर्चुनिटी दी, खासतौर पर एकता मैम और फिर जी टीवी। और रही बात मिस करने की, तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आई होप कि जी टीवी मुझे मिस ना करने दे और नई अपॉर्चुनिटी मिले।